सर हम भी वही सोच रहे हैं बेटा, अब तक कहाँ नहीं आए, कहाँ गया है मुकुंदे? सुरेली के बापू अब तक ना ही आए कहाँ? अरे मौसी पुदीना लेने गया है ना बस अड्डे, चिंतित काय हो रही है? लेकिन जीजा जी पुदीना किधर रहेंगे, मौसा को लाने बस अड्डे गए होंगे या फिर मुंबई चले गए होंगे? मुकंदी भैया मुकंदी भैया मुकंदी भैया मौसी आ गए सुरेली के बापू। हाय। हाँ पुदीना मौसा जी कहाँ है? कहाँ हुआ चुप कायो, बस नहीं आई का? बस तो आई थी मुकंदी भैया, बस से मौसा नहीं उतरे। बस से तो पिताजी नहीं उतरते थे भाई, जीजा नहीं उतर रहे थे तो जबरदस्ती उतार लेते। अरे बस में होते तब ना उतरने मौसा, हमने पूरी बस को अच्छी तरह से देखा, वो बस में नहीं थे क्योंकि वो मुंबई से लापतागंज के लिए चले ही नहीं। वो वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं पूछने को, फिर भी हम पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता कि मौसा जो है मुंबई से चले नहीं है? देखो यहाँ पर जो भी हो रहा है, जो भी है, वो सब तुम्हारे पिताजी की वजह से है, तुम्हारे बाबूजी की वजह से है बेटा। और तुम शादी ना करके इस सब का अपमान ना करो बेटा, है? बैठो आओ, आ जाओ और ना बैठो। सही कह रहा है। अब कन्यादान कौन करेगा, लड़के के पिताजी तो आए नहीं। पहले अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लो, अपनी सास का पांव छुओ। पापा कसम पहले तो हम आपका पांव छूना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कन्यादान ना करते तो पता नहीं क्या होता। खुश रहो, पांव छुओ सास, आ जाओ लेडीज फर्स्ट। खुश रहो खुश रहो। देखो मुझे हमारी सुरीली जी हो, इसका ख्याल रखना है, बड़े नाजों से पाले हैं। हम समझ सकते हैं मोती, हम बोल नहीं पा रहा है। हाँ हाँ असुरीले पापा को पहुँचू लेते, सुखी रहो पापा, सुखी रहो। मम्मी मम्मी पीछे पीछे हो गया, आओ चलो चले। विदाई होगी, अभी उसको आराम करने दो। हाँ सस्ता लेने दो, हाँ थक गई होगी, बाद में लेके जाना। हाँ इंदु चलो अब विदाई की तैयारी करते हैं। अबे गुड्डू, अबे ये मौसी विदाई के मूड में है कि नहीं है? अम्मा कसम विदाई होगी, जब इतना खर्चा किया है तो बहू को लेके जाएंगे। आओ चलो। हाँ भैया। पापा सच में ना? अरे हाँ हम कह रहे हैं। हाँ भैया। अच्छा सुनो, जूतों क्या हुआ? छुपा के रखा है भैया। रियली? आइए ना। चलो आइए मम्मी, आज बहुत खुश है हम। मारी लिया मोर्चा है। शादी हो गई यार। हाय हाय बिजी पांडे, तुम्हारा चेहरा तो देखो, खुशी से कैसे खुर्सीदा बाद हुए जा रहे हो। काला टीका लगा देते हैं नजर ना लगे। लेकिन बेटा जब तुम इतना खुश हो रहे हो ना, याद रखना
शादी के बाद खुशी के मायने बदल जाते हैं। अच्छा, कैसे समझाइए? तो ठीक है, शादीशुदा मर्द से सीखिए सुखी रहने के हथकंडे। पहला, कि पत्नी से किया हर वायदा निभाना। क्या बात है। दूसरा, पत्नी से कभी कोई वायदा मत करना। क्यों ललन जी, आप कुछ नहीं कहेंगे? हम तो किसी ने कहा ही। अरे तो हम कह रहे ना, कहिए। आप कहते हैं। देखो बीजी पांडे, शादी जो है एक सरकारी चूहे दानी की तरह होती है, और पत्नी उसके अंदर लटका हुआ एक पनीर का टुकड़ा, और मर्द जो है एक चूहा होता है। जो चूहा बाहर होता है वो अंदर जाना चाहता है, और जो अंदर होता है वो बाहर आने के लिए तड़पता रहता है। मतलब कि तुम सब चूहे हो और हम पनीर? ए नहीं, तुम तो अमरी कचौरी हो। अरे भाई एक सेकंड, पापा कसम आप सब लोग हमको कंफ्यूज कर दिया। ललन जी भाई, आप हमें सलाह दे रहे हैं या डरा रहे हैं? अरे भाई हमारी शादी गाड़ी में अभी हमने टायर लगे हैं, और आप हैं कि हमसे एक्सीडेंट करवा रहे हैं। अरे बीजी पांडे, हम तुमका डरा नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, लेकिन कछुआ चाचा की भाषा में कहे तो कभी कभी नहीं भी होता है। अब देखिए ना, अन्ना जी ने अनशन करके सरकार से अपनी बातें मनवाई। अगर वो शादीशुदा होते तो क्या अनशन कर पाते? अनशन के लिए जा ही रहे होते तो पत्नी कहती, ए जी कहाँ जा रहे हो? अनशन? ये अनशन का होता है? कई दिन रहोगे अनशन पे? इस 125 करोड़ के देश में तुम्हें ही मिले थे अनशन पे बैठने के लिए? और ये केजरीवाल कौन है जो आजकल तुम्हारे संग लगा हुआ है? अच्छा ठीक है, अब अनशन पे जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, लौटते वक्त पाव भर लौकी ले आना। एक मिनट, हमको एक बात पूछनी है। जीजा जी एक बात बताइए, अगर शादी चूहा दानी हेंगी और ये सब औरतें उसमें लटकता हुआ पनीर, और हम सब मर्द लोग चूहा हेंगे, तो इतना बड़ा चूहा उसके अंदर कैसे घुसा? भाई इसके लिए बहुत बड़ा पिंजरा मंगवाया गया है। उल्टा खाने वाले, हम पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में। अबे गुड्डू, क्या भैया ये सब लड़कियां क्या ढूंढ रही है? भैया ये लोग आपके जूते ढूंढ रहे हैं, पर हमने ऐसी जगह छुपाया, किसी को मिलेंगे नहीं। अबे हमको तो मिलेंगे। या आप चिंता क्यों करते हैं, आपका ये भाई बड़े काम का है। ये देखो, ये है हमारे जीजा जी, एक नंबर की कंजूस और मक्खी चूस। ये जूते चुराई की रकम ना देनी पड़े ना, इसलिए इन्होंने जूते कहीं छुपा दिए। लेकिन एक बात याद रखो बिजी पांडे, हम भी जूते चुराई का सगन लेकर ही रहेंगे। हाँ, अरे पहले जूते ढूंढ के तो दिखाओ। सुर कहाँ मचा रखा है? अरे मौसी, तुम कैसा दामाद लेकर आई हो? हाँ, आपको हो गया है? अरे इन्होंने खुद ही जूते छुपा दिए हैं ताकि सगुन ना देना पड़े। हाँ, ये बहुत गलत बात है। हाँ, मौसी इंदु कहाँ है? उसको बुलाओ, वही इन लोगों से पैसे लेगी। हाँ, इंदु की तबीयत जरा खराब है, आराम कर रही है। आहा, छोड़ो, जूते मिले ना मिले, तुम सगुन लेके रहना। अरे ऐसे कैसे देना पड़ेगा, पहले जूते तो ढूंढे। नहीं नहीं, सगुन दे दो, चलो। नहीं, पहले जूते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।